हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। किसानों की मांगों का पूरा सच। वाह, वेरी गुड। फार्मर्स एमएसपी डिमांड। अच्छा, किसान आंदोलन, फार्म बिल। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, और ये भी न्यूज आ रही है कि उन्होंने पूरा भारत बंद का कर दिया है। भारत बंद कर रहे हैं, ये कैसा आंदोलन है। पहले था दिल्ली चलो, उसके बाद हो सकता है भारत बंद हो गया, देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से पंजाब के किसानों ने दिल्ली की चढ़ाई शुरू कर दी है। हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली की ओर निकले हुए हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस उनका रास्ता रोके खड़ी है। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। हजारों की तादाद में पुलिस वाले तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, मगर हर किसी को बस यही डर है कि किसान आंदोलन के चलते फिर से 2020-21 जैसे हालात पैदा न हो जाए। जब देश की राजधानी को लगभग 1.5 साल तक चारों तरफ से घेर कर जाम कर दिया था, जब दूसरे शहरों से दिल्ली आना जाना नरक हो गया था। सब्जी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी वाले नहीं आ रहे, बच्चे सब पढ़ाई करने नहीं जा पा रहे। यही डर फिर से लोगों के दिल में बैठ चुका है। टेंशन हर दिन बढ़ती जा रही है। एमएसपी समेत एक दर्जन मांगों के साथ दिल्ली की चढ़ाई करना चाहते हैं। कई पार्टियों ने इन मांगों को समर्थन भी दे दिया। कांग्रेस, ऐसे में डर ये है कि दिल्ली और उसके आसपास फिर से 2020-21 जैसे हालात पैदा न हो जाए। लोग सवाल करने लगे हैं कि सरकार इन किसानों की मांगे पूरी करके मुद्दे को खत्म क्यों नहीं करती। वहीं बहुत से जानकार एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसानों की इन मांगों को पूरा किया ही नहीं जा सकता। ये मांगे सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। तो चलिए, आज के हमारे इस खास वीडियो में, कार्यक्रम में, हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी मांगे मानना चाहती है और आखिर क्यों इन मांगों को पूरा करना सरकार के लिए इम्पॉसिबल दिख रहा है। तो आइए इसी की पड़ताल करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे हर उस इंसान तक पहुंचाइएगा जो इस पूरे मुद्दे को समझना चाहता है। शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, 19 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल वापस लिए तो लंबे वक्त से चला रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया। उस आंदोलन के साथ ही दिल्ली आने जाने वाले लाखों लोगों ने चैन की सांस ली। तो अब क्या प्रॉब्लम है? आंदोलन तो खत्म हो गया, किसान दिल्ली से वापस भी चले गए, मगर तब भी उनकी एक मांग बाकी थी। क्या? वो चाहते थे कि सरकार एमएसपी को लेकर कानून बनाए। सरकार ने इस बारे में कमेटी बनाकर विचार करने की भी बात की, मगर एक कानून कभी बन नहीं पाया और न ही एमएसपी को लेकर कानून बना पाना कभी इतना सिंपल था। बस फिर क्या था, अब जब केंद्र सरकार का कार्यकाल खत्म होने में बस 2 महीने का वक्त बाकी है, अगला लोकसभा चुनाव सर पर खड़ा है, पॉलिटिकल चालें हैं, एमएसपी की डिमांड को लेकर आंदोलन करने लगे हैं। जो इस तरह से आंदोलन करेंगे, नई मांग पूरी होगी। बता दें कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल का वो दाम होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है, फिर चाहे बाजार में भाव कितना भी कम क्यों ना हो। आपको बता दें, भारत सरकार की तरफ से एमएसपी की स्कीम 60 के दशक में तब शुरू की गई थी जब देश में खाने का संकट था और सरकार हरित क्रांति की टेक्निक का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा ऐसी फसलें लगाकर देश की जरूरत पूरा करना चाहती थी। उसी टाइम किसानों को ऐसी फसलें लगाने के लिए मोटिवेट करने के लिए एमएसपी स्कीम लाई गई थी, ताकि उन्हें अपनी फसलों के बदले रिटर्न की एक मिनिमम गारंटी दी जा सके। सरकार की तरफ से आज की तारीख में 23 ऐसी फसलों पर एमएसपी तय होती है। जब भी किसी एक सेक्शन की तरफ से ऐसा आंदोलन होता है तो कुछ लोगों को लगता है कि यार, सरकार ऐसे लोगों की मांगे मान क्यों नहीं लेती, क्यों चुनाव से पहले किसानों को यूं परेशान किया जा रहा है। जब हर राज्य में सरकारें लोगों को मुफ्त में चीजें बांट रही है, अपने वोट बैंक को खुश कर रही है, तो इस केस में सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही, उसे क्या प्रॉब्लम है। वेल, इससे पहले कि मैं इस बात पर अपना ओपिनियन दूं कि आखिर किसानों की मांगे मान लेने में सरकार को क्या प्रॉब्लम है, आपको मैं बता दूं, आप भी अलग अलग टॉपिक्स पर अपने ओपिनियन देकर पैसे कमा सकते हो प्रोबो ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप को डाउनलोड करिए। कई सारे सवाल हैं, सिर्फ आपको हाँ या ना में अपनी ओपिनियन देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज इंडिया इंग्लैंड का 3rd टेस्ट मैच राजकोट में शुरू हो गया, क्या लगता है इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ जीतेगी, यस या नो। ऐसे तमाम कैटेगरीज के तमाम सवाल हैं, आप यस या नो में ओपिनियन दीजिए, पैसे जीते और उसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको प्रोबो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड करिए और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि आखिर एमएसपी को लेकर किसानों की मांग मान लेने में सरकार को प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इन मांगों को मान लेना इतना भी आसान नहीं है, इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी पैसा। बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के हिसाब से इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे।
ये रकम कितनी बड़ी है इसका आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इस बार जो अंतरिम बजट पेश हुआ उसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का जो बजट था वो 11 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि साल 2020 में कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ था, जिसमें डेयरी, खेती, बागवानी, पशुधन और एमएसपी फसलें भी शामिल थी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2020 में कुल कृषि उपज का बाजार मूल्य 10 लाख करोड़ रुपए। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जिस एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात की जा रही है, अगर उसे कानून बना दिया जाए तो इतने रुपए आएंगे कहां से। उनका कहना है कि सरकार को या तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट से पैसे काटने पड़ेंगे या देश को अपना रक्षा बजट कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं तो क्या सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाकर इस पैसे का इंतजाम करे? क्या इसके लिए कोई तैयार होगा? और अभी तो हम सिर्फ फसलों के लिए एमएसपी कांग्रेस को बोलना अपना काला धन दे दे करोड़ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा किसान 10,000 रुपए पेंशन, साल में 200 दिनों के लिए 700 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से मनरेगा में रोजगार, मुफ्त बिजली और डीजल सब्सिडी की भी डिमांड कर रहे हैं। और इन सारी मांगों के बजट को जोड़ दिया जाए तो फिर ये फिगर 36 लाख करोड़ आसपास बैठता है। अब सरकार अगर इतना पैसा सब्सिडी में लगा देगी तो उस पैसे की भरपाई करेगी कहां से? जाहिर तौर पर इससे आपको और हमें मिलने वाला सामान महंगा हो जाएगा, हर चीज पर टैक्स ज्यादा देना पड़ सकता है, ज्यादातर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या तो रुक जाएंगे या आगे के लिए टल जाएंगे, आर्मी को भी मजबूत करने में कम पैसा लग पाएगा। एक्सपर्ट्स तो यहां तक कहते हैं कि अगर सभी फसलों पर एमएसपी देने की मांग मान ली जाए तो इसका सारा खर्च 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। और फन फैक्ट ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर का हमारा कुल बजट ही 45 लाख करोड़ रुपए का था। दूसरी बात, कानून बनाकर ज्यादातर फसलों को डिसाइड करने का नुकसान ये है कि गन्ने और चावल जैसी फसलें बहुत पानी मांगती हैं। एमएसपी के कारण जब ज्यादातर किसान इन्हें लगाएंगे तो उन इलाकों में पानी की कमी आ जाएगी, और पंजाब में भी यही हुआ। वहां फ्री बिजली और बेहतर एमएसपी के चलते बहुत से किसानों ने इन फसलों को लगाया, जिससे ज्यादातर जगह ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया, कई जगह कुएं सूख गए, और वही किसान फायदे में रहे जिनके पास सबसे गहरे बोरवेल थे। मशहूर आर्थिक पत्रकार और इकोनॉमिक टाइम्स के पूर्व संपादक स्वामीनाथन अय्यर ने कृषि बिल के वक्त भी यही कहा था कि ये बिल देश की तकदीर बदल कर रख देंगे। बिल के फायदे बताते हुए उन्होंने कहा था कि ये बिल असल में किसानों के लिए सबसे बड़े लाइफ चेंजर साबित होंगे। जो वापस बिल आने के बाद किसानों के पास अपनी फसल को बेचने के लिए ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। अय्यर ने तब लिखा था कि अगर खरीदने वाले के पास ये फ्रीडम है कि वो कहीं से भी खरीद सकता है तो यही फ्रीडम फसल बेचने वाले किसान को भी मिलनी चाहिए, जो कि बिल आने के बाद मिलेगी। मगर तब इस बिल को लेकर एक के बाद एक झूठ फैलाए गए। ये कहा गया कि उनकी गलतियां बिना झूठ के कर कर और किसान बर्बाद हो जाएगा। What is the point of subsidizing people to produce something for which there is no demand in India and no demand in the rest of the world? अय्यर जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये देखकर बुरा लगता है कि कैसे किसानों के नाम पर एक खास इलाके से कुछ लोग खड़े होते हैं और अपनी ताकत के किसानों को स्मार्ट होना चाहिए अपने फायदा देखते हैं। ये है कि 2020-21 में जिस कृषि बिल का पंजाब और हरियाणा के किसानों ने विरोध किया, उसी बिल का महाराष्ट्र और आंध्र के किसान संगठन समर्थन कर रहे थे, मगर उनकी किसी ने नहीं सुनी। ईच ऑफ दीज 3 रिफॉर्म्स were in the manifestos of all opposition parties. Oh. These three were not only in the manifesto of the Congress party. तो कांग्रेस का खेल है। कांग्रेस पार्टी said we will do away with APMC. दोस्तों इसमें कोई राय नहीं है कि किसान इस देश के अन्नदाता हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि खेती किसानी जितना अनप्रेडिक्टेबल पेशा और कोई नहीं है, जहां किसान कर्ज लेकर साल भर अपना खून पसीना लगा। ये असली किसान है, इन्हीं जो कर रहे हैं सब। मेहनत के लिए सरकार की तरफ से एक गारंटी की बहुत जरूरत होती है, मगर ये भी देखना होगा कि सरकार से सुविधा लेने के नाम पर हम उसे किस हद तक निचोड़ सकते हैं। मशहूर अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी खुलासा करते हैं कि पंजाब में किसानों को साल भर में $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी मिलती है, और फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर इन किसानों को $665 मिलियन दिए जाते हैं। एमएसपी इज मेड लीगल, द प्रोडक्शन अज्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज 100 बट द डिमांड इज 70, देन व्हाट विल हैपन? नोबडी विल टच द रिमेनिंग 30, इट विल स्टे विद द फार्मर्स। व्हाट विल यू डू? मतलब पंजाब में हर किसान फैमिली को सब्सिडी के तौर पर $1,626 दिए जाते हैं, जो कि भारत की पर कैपिटा इनकम के आसपास है। इसके अलावा किसानों को कम रेट पर लोन मिलता है, वक्त वक्त पर उनके लोन माफ कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि पंजाब में जिस किसान के पास 5 एकड़ जमीन भी है वो भारत के अमीर किसानों में शामिल होता है। Just farmers in India. These are the guys who are destroying all the underground aquifers by overpumping in Punjab. They are the guys who are burning their stubble. And as a result, they are killing or maiming thousands of people in Delhi and neighboring states. These are not people who deserve our sympathy, but we will have to deal with them as an important force.
मगर इस सब के बावजूद किसान जो मांगे कर रहे हैं वो कुछ लोगों के मन में शक पैदा करती है कि क्या इन मांगों का ऐसे होते मांगे, ऐसे मांगे को तरीका क्या है मांगों का मांगने का। बहुत से लोगों की बातें तो यही साबित करती है, दादागिरी, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दी गई धमकी हो या फिर खालिस्तान की मांग। संबंधित छोड़ दो, कनाडा चले जाओ, पाकिस्तान बना के पाकिस्तान से जुड़ जाएंगे। दो चार लोगों की बातों से नहीं होता कि पाकिस्तान ही जाके बना लो खालिस्तान, मगर दो चार लोग भी अगर कैमरे के सामने देश तोड़ने की बात कर रहे हैं तो ये बहुत सीरियस मामला है। स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इनके ऊपर। अगर बोल रहे हैं तो भीड़ में ऐसे और लोगों के होने से इनकार नहीं किया जा सकता जो इनके जैसी ही सोच रखते हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी लोग इन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उन्हें खुलकर सरकार से बात करनी चाहिए। इन लोगों को बच्चों की तरह सिर्फ अपनी मांगों पर अड़ना नहीं होगा बल्कि मांगों का इकोनॉमिक्स भी सरकार को समझाना होगा और खुद भी ये समझना होगा कि उन मांगों को पूरा करने के लिए देश के लिए क्या मायने है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर बाप अपने बच्चों की मांगे पूरी करता है, मगर बच्चे अगर बड़े हों तो उन्हें भी समझना नहीं करते कि हमारे पिता के क्या क्या खर्चे हैं, घर में और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स की भी बहुत जरूरतें हैं। आखिर देश का नागरिक और उसकी सरकार एक परिवार की तरह ही तो है, नाराजगी कितनी बड़ी क्यों ना हो आखिर में हर प्रॉब्लम का इलाज निकालना है। इसलिए न तो सरकार को चाहिए कि वो अपने ही नागरिकों पर गोली चलाकर कोई जुल्म करे और न ही नागरिकों को चाहिए कि वो अपने ही सरकार को दुश्मन मानकर उसके खिलाफ जंग छेड़े। अगर दोनों साइड ये बात समझेंगे तो मुझे नहीं लगता इस प्रॉब्लम का हल निकालने में कोई दिक्कत होगी। बाकी आप बताइए, आप इस किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी मांगों के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, जो भी आपकी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो भाई आपकी मांगे ठीक हो गलत हो, किस तरीके से आप मांग रहे हो वो तरीका ठीक होना चाहिए। अगर आप लॉफुली कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप लॉ ब्रेक कर रहे हो तो आपकी मांगे चाहे ठीक हो नहीं हो आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, सिंपल है। देखिए ये तरीका नहीं होता कि सबके सब जो हैं फोर्सफुली अपनी बात मनवाएं। दादागिरी है कोई? आप रोड्स को बंद कर रहे हैं, इतनी तादाद में आ रहे हैं, अपना खाना पानी सारा लेके आ रहे हैं कि वहाँ बैठ जाएंगे, ब्लॉक करेंगे चीजें, वो तो तोड़ ताड़ कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं देश की प्रॉपर्टी को, मतलब तो ये तो इसका मतलब और खालिस्तान के साथ अटैच्ड है। नहीं मतलब ये तो किसी चेक और अटैच, उनमें वैसे बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअली इसका मतलब ये है कि कभी भी आप कुछ मांग करोगे अगला बंदा एग्री नहीं करता तो फिर ये चल पड़ोगे, चाहे कोई भी हो, मतलब ये तो प्रोसेस बन गया फिर आपका कि मेरे को ये चाहिए, नहीं देता चल भाई चल पड़े फिर, तो ये तो गड़बड़ है, तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। ये ऐसा थोड़ा ना होता कि तुम्हें नहीं चाहिए तो चल पड़ो, ऐसा करते रहो, एक बार रिपील हो गया खत्म हो गया, गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ, क्योंकि ये तरीका गलत है। आप टेबल पे आइए, आराम से बात करिए, कुछ देखिए, इस तरीके से नहीं कि सब चल के पूरा डिसरप्शन कर रहे हैं कैपिटल को और ये सब कार्य कर रहे हैं। अब हुआ भी वही है जहाँ पे पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, वहाँ पे इंडिया की जितनी भी पुलिस की बल हैं वह चले गए हैं, वहाँ पे उन्होंने पूरी कंक्रीट की वॉल्स करके रोक दिया है, जो भी लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बैरियर को उसके वाटर कैनन से पानी फेंक रहे हैं और साथ में टीयर गैस फेंकी जा रही है वीआर ड्रोन्स। तो अभी गवर्नमेंट पूरी पक्की है कि तुम्हें वहाँ पे दिल्ली में नहीं आने देना चाहिए, अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि तुम डिसरप्ट करते हो पूरी कैपिटल सिटी को। ये तरीका नहीं है कि ट्रकों में, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट ट्रकों में नहीं होता, पीसफुल प्रोटेस्ट होता चल के जा रहे हैं साइडों में खड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं, मगर इस तरह से नहीं होता। तो मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि अगर आप इसको ओके करेंगे तो किसी भी बात पे कोई भी स्टेट में कोई भी किसी के पास चल पड़ेगा, चलो चल पड़े हैं। इसके बाद तो नेक्स्ट कोई बोलेगा मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, वो भी एक तमाशे का। और एमएसपी का चक्कर ये है कि ऐसे गारंटी थोड़ा दे सकते हैं कि भाई जितना उगाया है सबका सब गवर्नमेंट खरीद ले उतनी प्राइस पे, अगर उसकी डिमांड नहीं है तुम्हारी क्वालिटी गंदी हुई तो वो भी तो बात है, क्वालिटी अगर वो तो डिमांड के साथ ही देखना है ना कि आपकी डिमांड कितनी उसके हिसाब से आप उगाओ। अगर आप बोलो मैं तो भाई मेरा काम तो बस है उगाना 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 और एमएसपी पे ले लो तुम, तो वो तो गलत है। अगर डिमांड नहीं होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी इतनी सारी चीजों का नहीं। और साथ में जैसे बोल रहे हैं
अगर पेरेंट का बच्चा होता है, हर चीज जो बच्चा बोलेगा वो पेरेंट थोड़े को करता है, और कई बार उसकी मांग भी ठीक होती है पर पेरेंट के पास पैसा नहीं होता तो वो कैसे दे देगा। पेरेंट बोलता है नहीं मिल सकता, कई बार समझाता है पेरेंट, बच्चा नहीं समझता तो डांट के बिठा देता है, चाहे उसकी मांग भी वो हो कि मेरे को चाहिए वो चीज, बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, भैया जब पैसा ही नहीं है तो कहां से देंगे। तो अगर देश के पास वो उतना पैसा ही नहीं कि तुम्हारी इस मांग को कर लें तो तुमको कैसे मानेगा, और तुम किस तरह से मांग रहे हो। बच्चा अगर रोना चीखना चिल्लाना स्टोर में शुरू कर दे कि मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा चीजें तोड़ूंगा वहां पे स्टोर के अंदर, तो मेरा पेरेंट मान जाएगा, ऐसे डराएगा धमकाएगा, तो पेरेंट क्या बोलेगा, बेटा तेरी मांग सही थी फिर भी नहीं दूंगा, ये होता है। तो अब सोचने वाली बात है किस तरीके से कर रहे हैं ये लोग। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।